लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हे प्रभु, ये कैसी दुविधा में डाल दिया है आपने मुझे। प्रभु श्री राम का सेवक होते हुए भी माता सीता की एक झलक पाने के लिए तड़प रहा है यह हनुमान, कुंठित हो रहा है। नहीं प्रभु, नहीं, यह अन्याय है प्रभु, यह अन्याय है प्रभु। मैं जानता हूं प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं हनुमान हूं, रुद्र अवतार हनुमान, सर्वशक्तिमान भगवान शिव का अंश मुझ में विद्यमान है। मैं जानता हूं प्रभु, मैं जानता हूं। परंतु प्रभु, इतना शक्तिमान होते हुए भी मैं अपनी भावनाओं को अपने वश में नहीं कर सकता प्रभु, नहीं कर सकता। क्या करूं प्रभु, क्या करूं। परंतु प्रभु, मैं चेष्टा करूंगा कि मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकूं। मैं चेष्टा करूंगा कि अपनी संपूर्ण शक्ति, अपनी सारी भावनाओं को आपके चरणों में केंद्रित करने में लगा दूं। मैं चेष्टा करूंगा भगवान, मैं चेष्टा करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। वत्स हनुमान। माता, 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 माता कहाँ हैं आप? माता प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए, माता प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए, माता मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए। हनुमान, तुम्हारी इच्छा शक्ति के वश में होकर मैं तुम्हारे सम्मुख आ गई हूँ। परंतु माता, आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं? किसे देखना चाहते हो हनुमान? अपनी माता को? हाँ। तुम्हारी माता तो तुम्हारे भीतर है हनुमान, तुम्हारे रोम रोम में है। अपनी मन की आंखों से देखो हनुमान। Thank you.
माता। जय श्री राम। हनुमान, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कितनी श्रद्धा है। माता। नहीं नहीं हनुमान, तुम वहीं रुक जाओ। मैं तो केवल तुमसे मिलने और तुम्हारी वेदना को शांत करने आई हूँ। अपना मन तन तो उन दो नन्हे मुन्नों के पास छोड़ रही हूँ। अर्थात अर्थात ये हनुमान आपके समीप नहीं आ सकता? क्या आप हनुमान को अपना पुत्र नहीं समझती माता? क्या आप भी प्रभु के समान मेरे साथ ही लीला कर रही हैं? हनुमान, मन से अधिक प्रत्यक्ष कुछ नहीं होता। कल का क्या ठिकाना, कितने दिन का साथ रहता है ये कौन जानता है। वो मन ही होता है जो चिरकाल तक जन जन्मांतरों तक अपने प्रियजनों के साथ संबंध बनाए रखता है। माता, अर्थात आप आत्मा की बात कर रही हैं? शब्दों से कोई अंतर नहीं पड़ता हनुमान, मन हो या आत्मा, यदि वो अपने आराध्य के चरणों में समर्पित हो जाता है तो एक जन्म नहीं कई जन्म एक साथ सफल हो जाते हैं। मैंने तो श्री राम के चरणों में आत्मा और मन के साथ तन भी समर्पित कर दिया है, और आज अपने आराध्य से दूर रहकर मेरा मन क्या कह रहा होगा ये तुम भली भांति समझ सकते हो। माता, मैं उस वेदना का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूं, इसीलिए तो आपके दर्शनों के लिए इतना व्याकुल हो रहा था। माता माता, जब मैंने अशोक वाटिका में पहले पहले आपके दर्शन किए थे, उस समय से मेरे मन में केवल एक ही भाव था कि मैं किसी तरह आपके कष्टों को कम कर सकूं। दुख में काम आने वाले एक अपने के समान सदैव आपके दुख मिटाने में तत्पर रहूं, एक छाया की भांति आपके साथ रहूं। परंतु माता, परंतु विवश हो गया माता, विवश हो गया। दुख ना करो हनुमान, सुख दुख तो घटती बढ़ती छाया की तरह होते हैं, ये सदा किसी के साथ नहीं रहते, ये आते हैं और चले जाते हैं, रह जाती हैं तो केवल स्मृतियां। तुम्हारी स्मृति मेरे हृदय से कभी नहीं मिटेगी, तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में अनंत काल तक बना रहेगा, सीताराम के साथ तुम्हारा नाम सदा अभिन्न रहेगा, और मेरी आत्मा से ये आशीर्वाद हमेशा निकलता रहेगा कि हनुमान तुम अमर रहो, तुम्हारी स्मृतियां अमर रहें। निस्वार्थ भाव से अपनों का साथ निभाने वाले हनुमान के समान ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। माता, माता, हनुमान भी आज संसार को एक वचन देता है कि प्रभु श्री राम और माता सीता के ये सेवक हनुमान सदा उनके चरणों में समर्पित रहेगा। जहां प्रभु श्री राम और माता सीता होंगी वहां हनुमान अवश्य होगा, भले ही व्यवस्थाओं के कारण वो प्रत्यक्ष रूप में वहां ना आए, परंतु हनुमान का मन, उसकी आत्मा, जिस प्रकार तुम्हारी ये भावना अमर रहेगी उसी प्रकार तुम भी अमर रहोगे हनुमान, ये मेरा आशीर्वाद है। माता, क्या आपको वहां कोई दुख तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है? माता, यदि है तो बताइए, मैं प्रभु श्री राम को विवश कर दूंगा कि वो मुझे आपके पास आने दें। अपने पुत्र को बताइए। अब कष्ट कैसा हनुमान, मेरे साथ मेरे दो लाल लव कुश जो हैं
उनके हंसते मुख देखकर मैं पिछले सारे दुख भूल चुकी हूँ। अब तुम मेरी चिंता ना करना, मुझे कोई दुख नहीं है। श्री राम से कहना कि वो भी अपराध बोध से मुक्त हो जाए और मेरी चिंता करना छोड़ दें। उनके पुण्य प्रताप से मैं आश्रम में अयोध्या से अधिक सुख पा रही हूँ। मैं जा रही हूँ हनुमान, तुम सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। नहीं नहीं माता, नहीं, आप नहीं जा सकती माता। माता माता, आपके दर्शनों की लालसा अब तक समाप्त नहीं हुई है। मेरा जी नहीं भरा है माता, माता दर्शन दीजिए माता। हे प्रभु, ये मेरी आंखें आगे क्यों बंद हो रही है? मुझे माता के दर्शन करने हैं प्रभु, मुझे आंखें खुली रखनी है प्रभु। जय श्री राम।